हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कीबोर्ड एप्लीकेशन के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड की थीम को चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कीबोर्ड में। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा कीबोर्ड है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ये काफ़ी फास्ट भी है, तो ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को लास्ट तक। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक्टिवेट फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड पर क्लिक करना होगा। फिलहाल मैं इसको पहले से ही एक्टिवेट किए हुए हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ से इसको एक्टिवेट करना होगा। सेकेंडली आपको यहाँ पर सिलेक्ट फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से अभी एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड है वो तरह से कुछ वर्क करेगा और यहाँ पर ये पूरी इसकी थीम जो है वो चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं मैसेज बॉक्स में। यहाँ पर एक हम मैसेज टाइप कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें इस कीबोर्ड का जो इंटरफेस है देखने को मिल जाता है। हम चाहें तो यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से काफ़ी सारी हमें थीम मिल जाती है, उनको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी सारी थीम को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो अपनी खुद की भी थीम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट थीम पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाने के बाद यहाँ से आप अपने कीबोर्ड का कलर चूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो बैकग्राउंड में कोई इमेज ले सकते हैं, वो चाहे आपका फ़ोटो हो या फिर कुछ भी हो सकता है। फॉन्ट कलर ले सकते हैं, की कलर ले सकते हैं, की शेप ले सकते हैं, यहाँ पर की ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना कोई भी एक कीबोर्ड खुद का भी बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो प्ले स्टोर से भी काफ़ी सारी ऐसी थीम मिल जाएंगी जो कि फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड पे अप्लाई हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। न्यू वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।